हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक अर्निंग्स। आज मैं बात करूंगा आपसे नई यूएचआरएस क्वालिफिकेशन की, ऐड टैक्स, ऐड फॉर अल्टरनेटिव प्रोडक्ट और एडिशनल परचेज। ये बहुत ही ट्रिकी क्वालिफिकेशन है, मैंने इसको अपने सेकंड अटेम्प्ट में पास किया है। सो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह मैंने इसको पास किया और इसमें आपको टिप्स भी बताऊंगा कैसे आप लॉन्ग टर्म इसमें काम कर सकते हैं। सो देखिए, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें यूज़र सर्च करना चाहता था CTE सिम्टम्स। तो आपको यहाँ पर जज करना है, जो भी आपको ऐड यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है यूज़र उसको क्लिक करके रीच कर सकता है, या फिर ये कम्पिटिटिव ऐड है या सिमिलर प्रोडक्ट का ऐड है, या एडिशनल परचेज होगी यूज़र के लिए, या सर्च फॉर इंफॉर्मेशन है, मीन्स ऐड इज़ रिलेटेड टू टॉपिक। तो यहाँ सिटी सिम्टम्स जब आप गूगल में सर्च करेंगे तो यहाँ पर कुछ क्रोनिक ट्रॉमेटिक NHS, ये जो टर्म्स हैं ये रिलेटेड हैं यूज़र के इंटेंट से, CTE सिम्टम से। मैंने इसको ओपन किया था तो यहाँ से हार्ट फेलियर हॉस्पिटलाइजेशन वाला जो ऐड है diabetes.com, ये लाइक रिलेटेड है, तो इसलिए मैंने इसको सर्च फॉर इंफॉर्मेशन सेलेक्ट किया। ओह, दिस वन इज़ रॉन्ग, ये बैड होना चाहिए बिकॉज दिस इज़ नॉट कम्प्लीटली रिलेटेड। CTE सिम्टम्स होते हैं बट आप जब भी इसको सेलेक्ट करना तो बैड करना। नेक्स्ट वन इज़ मैटिंगली कंक्रीट इंडियाना पॉलिस, यूज़र का जो सर्च टर्म है ये है और आपको ऐड angel.com बताया गया है, तो इसको मैंने डायरेक्टली कॉम्पिटिटिव लगाया और यू कैन से सिमिलर प्रोडक्ट, बट इट इज़ नॉट, इट इज़ एग्जैक्ट द सेम थिंग यूज़र वॉन्ट टू गेट। तो ये फर्स्ट ऑप्शन होगा, ये दिस इज़ करेक्ट। नेक्स्ट इज़ एरोमा 360 आप देख सकते हैं, होम एंड बिजनेस सेंटिंग, तो ये कम्प्लीटली डिफरेंट था तो इसलिए मैंने इसको 5 सेलेक्ट किया, नॉन ऑफ द अबव, दिस वन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट वन इज़ ESD रील्स रैक्स, आप यहाँ देखेंगे ESD रील रैक, ये प्रोडक्ट का नेम है, इंडिया मार्ट में आप देख सकते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस। और रील बैग डिस्पेंसर, यहाँ पर जो ऐड है वो रिलेवेंट है, मींस यूज़र कैन रीच टू द प्रोडक्ट इफ़ ही क्लिक्स ऑन ऐड, सो दिस वन इज़ गुड। नेक्स्ट वन इज़ पेनीज ऑनलाइन शॉपिंग, तो पेनीज ऑनलाइन शॉपिंग यूज़र करना चाहता है और यहाँ पर जो आपको ऐड दिया हुआ है वो रिलेवेंट नहीं है शॉपिंग से, सेल्स एंड क्लियरेंस का है, फ्री शिपिंग ऑन ऑल ब्यूटी ऑर्डर्स, तो इसको मैंने नन ऑफ द अबव लगाया, दिस वन इज़ इनकरेक्ट। और आप यहाँ रीज़न भी पढ़ सकते हैं कि यूज़र जो चाहता था वो है बट अल्टरनेटिव में होगा ये, तो आप जब भी इसको क्वालिफाई करेंगे तो आप इसमें अल्टरनेटिव सेलेक्ट करना। नेक्स्ट वन इज़ यूज्ड फर्नीचर, यहाँ पर देखिए यूज फर्नीचर में आपको बहुत सारे फर्नीचर्स मिल जाएंगे और ये जो क्लियरेंस सेल है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूज़र इस पर रीच कर सकता है अगर वो क्लिक करेगा तो। और फॉर बेटर इन्फॉर्मेशन आप फर्स्ट लिंक को छोड़ के और भी लिंक्स देख सकते हैं, वहाँ पर आप सभी फर्नीचर्स के बारे में ही आपको जानकारी मिलेगी, कंटेंट मिलेगा। यू कैन सी, सो आई क्लिक्ड ऑन फर्स्ट, यूजर कुड रीच द सम, दिस वन इज इनकरेक्ट, हो सकता है यूजर लुकिंग फॉर फर्नीचर नेगेटिव न्यू फर्नीचर नॉट बी इंटरेस्टेड, तो ये न्यू फर्नीचर का था इसलिए इसको अल्टरनेटिव आप लगाएंगे, ये गलत हो गया मेरा। नेक्स्ट वन इज फ्लाइट फ्रॉम सेंट लुइस टू न्यूयॉर्क, यहाँ पर फ्लाइट के बारे में यूज़र सर्च करना चाहता है तो ये डायरेक्टली आप नन ऑफ द अबव लगाएंगे क्योंकि ये मैच नहीं कर रहा है ऐड यूज़र की सर्च टर्म से, तो दिस वन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट वन इज़ TMJ डॉक्टर्स नियर मी, यहाँ पर यूज़र डॉक्टर्स फाइंड करने की कोशिश कर रहा है, उसको डॉक्टर की ज़रूरत है। आप यहाँ देख सकते हैं जो ऐड है वो एडिशनल परचेज है बिकॉज यहाँ पर कुछ और गिवन है, मतलब जो यूज़र बाई कर सकता है, तो इसलिए एडिशनल परचेज मैंने सेलेक्ट किया। नेक्स्ट वन इज़ अमेजन
स्पाइकलेस मेंस गोल्फ शूज फुट जॉय। तो फुट जॉय मीन्स मेंस स्पाइकलेस गोल्फ शूज, इसके बारे में यूज़र सर्च करना चाह रहा है। बट यहाँ पर गोल्फ शूज तो हैं बट वो किसी और कंपनी के हैं, मतलब अमेजन से डिलीवर नहीं हो रहे हैं, कोई और साइट है। तो इसमें आप सेकेंड ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं और फोर्थ ऑप्शन भी हो सकता है, बट यहाँ पर कंफ्यूजिंग ये है कि कौन सा ऑप्शन चूज़ किया जाए। तो इसके लिए आप सेकेंड चूज़ करेंगे। वाई? बिकॉज़ ये जो वेबसाइट है ये ऑनलाइन वेबसाइट है शॉपिंग की, तो अल्टरनेटिव होगी। दिस वन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, वॉलनट क्रीक सी ए इवेंट्स। तो वॉलनट क्रीक इवेंट्स के बारे में यूज़र सर्च कर रहा है यहाँ पर, और ये जो StubHub.com वेबसाइट है यहाँ पर आप टिकट्स ले सकते हैं जो भी इवेंट्स हैं। तो जितने भी ये यूज़र का इंटेंट है पहले आपको वो समझना है और फिर उसी के अकॉर्डिंगली आपको ये सेलेक्ट करना है कि वो एडिशनल परचेज होगा या फिर यूजर रीज कर सकता है। मैंने इसको वन सेलेक्ट किया बिकॉज यूज़र को टिकट ख़रीदना पड़ेगा अगर इवेंट में जाना है तो। सो देखिए, आई सबमिट। यू कैन सी हियर दिस वन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट वन इज़ हाइड्रोलिक क्रेन विद बूम एक्सटेंशन। तो यहाँ पर बूम एक्सटेंशन की बात कर रहा है यूज़र, हाइड्रोलिक क्रेन में लगता है। तो एक टाइप का ये प्रोडक्ट है जो यूज़र सर्च करना चाह रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनाइटेड रेंटल्स ऑनलाइन, मतलब ये रेंटल सर्विस है लिफ्ट्स की या फिर बूम लिफ्ट्स की, यूनाइटेड रेंटल्स प्रोवाइड करती है। तो इसमें आपको क्या सेलेक्ट करना है, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि बूम एक्सटेंशन ये एक प्रोडक्ट का नाम है, तो ये एडिशनल परचेज होगा यूज़र के लिए। तो आई क्लिक ऑन सबमिट, दिस वन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट वन इज़ स्काई ट्रैक गोल्फ सिमुलेटर। अब गूगल में आप देखेंगे ये जो सिमुलेटर है इसकी खुद की वेबसाइट है और यहाँ पर ये दूसरी वेबसाइट है, तो इसको मैंने अल्टरनेटिव या कम्पिटेटिव लगाया और यू कैन से सिमिलर। सो दिस वन इज़ करेक्ट। नाउ स्कोलास्टिक बैग बिग डे फॉर प्री के टीचर लॉगिन। यहाँ पर टीचर लॉगिन के बारे में यूज़र सर्च कर रहा है और ये जो है एड आपको टीचर्स पे टीचर्स ऑफिशियल TPT Marketplace के बारे में है। तो इसको मैं डायरेक्टली नन ऑफ द अबव लगाऊंगा क्योंकि ये लॉगिन से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है। आई क्लिक ऑन सबमिट, दिस वन इज़ करेक्ट। DRT Plumbing, यहाँ पर देखिए DRT Plumbing जब आप गूगल पे सर्च करोगे तो बहुत सारे प्लम्बर्स के नेम आ जाएंगे, प्लम्बर सर्विस प्रोवाइडर्स के। तो जो एड है वो प्लम्बर का है। यू कैन सी हियर कीवर्ड, बट प्लम्बिंग ये सर्विस है और ये प्लम्बर्स हैं, तो इसलिए मैंने इसको नॉन लगाया, नन ऑफ द अबव। सो दिस वन इज़ करेक्ट। आप देखिए मेरे रिजल्ट्स यहाँ पर चेक होंगे और आफ्टर सम टाइम्स व्हेन आई चेक मेरे डैशबोर्ड पे देखिए ये स्टार्ट बटन ओपन हो गया है और ये मुझे प्रमोट कर दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।